Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Ashtotra Sata His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gopinath Ki Jai. Shri Shri Gaur Nithai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadra Mai Ki Jai. Shri Balaji Bhagwan Ki Jai. Nithai Gaur Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. कल हम विशाखापट्टनम में थे, कुरुक्षेत्र और सिंहाचलम का दर्शन करके हम यहाँ पे कल रात को पहुँचे हैं राजमंड्री शहर में. वास्तव में इसका नाम पुराना है राज महेंद्रवरम, या बल्कि उससे भी पहले राज महेंद्रपुरम. एक राजा थे महेंद्र, उनकी राजधानी थी, तो उनके पीछे ये शहर का नाम हुआ. बिल्कुल गोदावरी के तट पे है. आप में से कितने भक्तों ने गोदावरी का दर्शन किया अभी? आप में से कितने भक्तों ने नहीं किया है अभी तक? तो प्रसाद के पहले ज़रूर करना, ठीक है? कम से कम दूर से दर्शन कर लेना. और यहाँ राजमहेंद्री, ये शहर राजमंड्री, ये आंध्र प्रदेश का की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है. बहुत प्राचीन शहर है ये, और यहीं से तेलुगु भाषा का जन्म हुआ. राइट, यू फॉलो हिंदी? नन्नैया, नन्नैया नाम के एक कवि थे, तो उन्होंने तेलुगु भाषा का व्याकरण और उसकी लिपि आदि प्रारंभ की यहीं से, राजमहेंद्री, राजमंड्री शहर में. बहुत पुराना शहर है. और दो कवियों के साथ में, टिकन्ना और यरन्ना, उन्होंने महाभारत का अनुवाद संस्कृत से तेलुगु भाषा में किया. इसको आंध्र महाभारतम कहते हैं. करेक्ट. आप में से कितने भक्त तेलुगु भाषी हैं? हाथ ऊपर कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन समझते हैं, ठीक है. तो इस शहर का वैसे महत्व काफ़ी है, और यहाँ पर गोदावरी के तट पे होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ा है. इसी प्रांत में चैतन्य महाप्रभु आए थे. सिंहाचलम से चलते चलते वो यहाँ पहुँचे थे, इसी स्थान में. इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में यहाँ पहुँच चुके हैं. अब इन चीज़ों के अतिरिक्त, अब राजमंड्री शहर प्रसिद्ध हो गया है और एक कारण के लिए, और वो है ये मंदिर. अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का ये मंदिर पिछले 12 वर्षों से यहाँ है. उसके 2 साल पहले ज़मीन मिली थी, और इसके पीछे मूल जो सूत्रधार हैं, जो जिन्होंने सेवा की, वो है यहाँ के अध्यक्ष सत्य गोपीनाथ प्रभु, जो यहाँ बैठे हैं. तो सत्य गोपीनाथ प्रभु ने यहाँ 14 साल से रहे हैं. जब ज़मीन मिली, ज़मीन मिलने के लिए भी काफ़ी कुछ प्रयत्न करना पड़ा. हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में सारे अच्छे अच्छे स्थानों में मंदिरों के लिए जगह मिली है. विशाखापट्टनम में भी बिल्कुल समुद्र के तट पे जगह मिल गई, और यहाँ पे राजमहेंद्री में बिल्कुल गोदावरी के तट पे, और यहाँ सामने घाट है. तो थोड़ी देर बाद में वहाँ जाएंगे, हो सकता है दोपहर में जाएंगे, अब यहाँ समय नहीं भी हुआ तो. तो कितने ऐसी अच्छी जगह में 2 एकड़ ज़मीन मिलना मंदिर के लिए कोई छोटी बात नहीं है. और फिर जल्दी ही बहुत कम समय में इतना सुंदर मंदिर का निर्माण करना, और साथ साथ में यहाँ इतना कुछ प्रचार करना, और
भक्तों का समाज तैयार करना ये भी बहुत ही एक प्रशंसनीय बात है। तो ये सब सत्य गोपीनाथ प्रभु के परिश्रम के फल से हुआ है, उनके भक्ति के फल से, और साथ में उन्होंने अपने बहुत अच्छे अच्छे भक्तों को जमा कराया है और बहुत अच्छी तरह से प्रचार यहाँ चल रहा है। साथ साथ में अन्य शहरों में भी सत्य गोपीनाथ प्रभु ने जिम्मेदारी ली है। अनंतपुर नाम के शहर में वहाँ एक मंदिर का निर्माण हुआ है हमारे संस्था का, और वो वैसे आगे रथ पे ऊपर है, वो कृष्ण अर्जुन चला रहे हैं। करेक्ट, टेम्पल इज कंप्लीटेड। राधा पार्थ सारथी है वहाँ पे। तो अनंतपुर में भी वो मंदिर का निर्माण कर चुके हैं। अनंतपुर में भी 10 साल हो गए उस मंदिर के। एंड वेयर एल्स, गुंटूर, विच अदर, गुंटूर, गुंटूर नाम के शहर में भी तो गुंटूर ये भी एक महत्वपूर्ण शहर है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे भी मंदिर का निर्माण करवाया है सत्य गोपीनाथ प्रभु और उनके भक्तों ने। तो राजमंड्री, गुंटूर, अनंतपुर, अभी एक चौथा बहुत बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं। आपको पता है कि पहले जो राज्य था आंध्र प्रदेश, उसका विभाजन हुआ है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो पहले संयुक्त आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, तभी वो तेलंगाना में चला गया। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी वो बनाने जा रहे हैं अमरावती नाम के शहर में। तो अमरावती के पास ही यहाँ सत्य गोपीनाथ प्रभु ने सरकार से बात करके 99 एकड़ ज़मीन ली है। 99 acres, और वहाँ पे बहुत सुंदर 99, यस, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा प्रकल्प होगा, मंदिर आदि और बहुत सी चीज़ें होंगी। तो उसका कार्य भी धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। हैज़ वर्क स्टार्टेड ऑन दैट। अच्छा, अगले साल तक उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छा। तो हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ प्रचार चल रहा है और सरकार से भी काफ़ी योगदान है, सहयोग है। तो खैर, हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है ये सब। हरे कृष्णा, कैन यू हियर। हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा का कारण है यहाँ इस प्रांत में आना, और यहाँ इतना प्रचार चल रहा है, इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। आशा करते हैं कि यहाँ पे इसी तरह से प्रचार और सेवा भगवान कृष्ण की, श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में चलता रहे। So we will pray to Srila Prabhupada and the deities, Satya Gopinath Prabhu, that your preaching and all the devotees with you, your preaching will increase and the service will increase and flood Andhra Pradesh. Hare Krishna. तो क्योंकि हम विशाखापट्टनम से आए, सिंहाचलम से आए, चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में चलते चलते आए, तो आइए कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं सुने एक 2-3 श्लोकों में। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का 8वां अध्याय है।
कथा कल इस जगह समाप्त हुई थी कि सिंहाचलम से महाप्रभु आगे बढ़े अपने तीर्थ यात्रा में और इतने मग्न थे, इतने भाव विभोर थे नाम संकीर्तन करते हुए कि उनको कोई पता नहीं चला कि दिशाएं कौन सी हैं, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम इत्यादि कुछ पता नहीं चला, रात क्या है, दिन क्या है, उनको कोई अनुमान नहीं था कि दिशाएं कौन सी हैं। वो चलते गए तो उसके बाद क्या हुआ, पूर्ववत वैष्णव कोरी सर्वलोक गणे गोदावरी तीर प्रभु आयला कत दिने। पूर्ववत मतलब पहले, वैष्णव कोरी सर्वलोक गणे, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सारे लोगों को वैष्णव बना दिया, इस समय भी जब सिंहाचलम से वो निकल पड़े, ऐसे ही रास्ते में जितने भी लोग उनको मिलते वो सारे के सारे वैष्णव बन जाते। और ऐसे चलते चलते कई दिनों के बाद गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के तट पे आ पहुँचे, लगभग इसी प्रांत में, और यहाँ गोदावरी का दर्शन उन्होंने किया। तो कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, आइए सुनिए। गोदावरी देखी होइला यमुना स्मरण, तीरे वन देखी स्मृति होइलो वृंदावन। गोदावरी देखी, गोदावरी नदी को देखकर होइलो यमुना स्मरण, उनको यमुना नदी का स्मरण आया। तीरे वन देखी और गोदावरी नदी के तट पे वन को देखकर उनको वृंदावन का स्मरण आया। शैवने कतक्षण करि नित्य गान, गोदावरी पार हन तहां कैल स्नान। तो थोड़े समय तक, बल्कि काफी समय तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोदावरी के तट पे जो वन थे, उस समय वन थे, अब शहर है, तो वन में उन्होंने नृत्य गान किया काफी समय तक, और फिर गोदावरी पार किया और पार करके वहां उन्होंने गोदावरी के जल में स्नान किया। घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, वशी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। तो गोदावरी के जल में स्नान करने के बाद फिर वो जल के पास में निकट ही बैठे और वहां कृष्ण नाम संकीर्तन करने लगे। तो ये वर्णन गोदावरी के संबंध में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो चलिए अभी हम गोदावरी नदी की चर्चा करते हैं। महाप्रभु भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए, यहाँ स्नान किया, यहाँ पे कई दिनों तक रहे। आप तो जानते हैं कि नदियाँ मनुष्य समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। यदि नदियाँ नहीं होती तो शायद सभ्यता या कोई गांव, शहर, उत्पादन कुछ नहीं हो पाता था। सारे विश्व में जहाँ भी बड़े बड़े नदियाँ हुई हैं उनके तट पे बहुत लोग बसे हैं, गांव बने हैं, शहर बने हैं, जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो सब नदियों के तट पर हुए हैं। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, और ख़ास करके भारत में भी ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे नदियां हैं, और भारतवर्ष क्योंकि पुण्य भूमि है तो यहाँ की नदियां भी बहुत पावन है, बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं।
प्राय हर एक नदी यहाँ पे भारतवर्ष में पवित्र मानी जाती है। ऐसे अनेक नदियों में से सात नदियाँ सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं। वैसे हर एक नदी है, परंतु उनमें से सात। आप में से कितने भक्त हैं जो पुजारी सेवा करते हैं अपने अपने मंदिरों में? हाथ ऊपर कीजिए। चौदह जल आचमन जल में आप सारे सात नदियों का आह्वान करते हैं तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो ये सात नदियां हैं, गंगे च गंगा, यमुना च एव यमुने च एव, गंगा यमुना तो है ही, गोदावरी सरस्वती सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी। तो दक्षिण भारत में ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, कावेरी और गोदावरी। तो ये सारे जो पवित्र और प्राचीन नदियां हैं, ये सब हमारी संस्कृति हैं और इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि भगवान के बारे में जानना चाहिए और भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के बड़े भक्तों के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, उसी तरह से जो बड़े बड़े पर्वत हैं, जो भी पवित्र माने जाते हैं, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पवित्र मानी जाती हैं, उनके बारे में भी हमें सुनना चाहिए। ये जो हमारी संस्कृति है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। आज भी हम यदि किसी व्यक्ति को पूछें कि महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी है, उनमें से थोड़ी नदियों का नाम तो वो ले लेंगे, परंतु इनका इतिहास क्या है और इनका प्रवाह कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कई लोग नहीं जानते हैं। अधिकांश लोग इस बात को नहीं जानते हैं। तो जब आगे संस्कृति को हमें बढ़ानी है तो सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। यमुना का इतिहास, गंगा का इतिहास, नर्मदा सिंधु कावेरी और यहाँ गोदावरी, ये नदियाँ कहाँ से कहाँ बहती हैं, कौन से तीर्थ स्थान उनके तटों में हैं, कौन से बड़े ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या की थी, भगवान की कौन सी लीलाएँ इस जल में या जल के तट पे हुई हैं, तो ये सब हमें जानना चाहिए। बच्चों को भी सुनाना चाहिए। आप में से जो गृहस्थ भक्त हैं तो जब कहानियाँ बच्चों को बताते हैं तो नदियों के बारे में भी कहानियाँ बतानी चाहिए। नदियों के तट में जाते हैं तो देखिए कितना रमणीय वातावरण होता है, मन कितना दहल जाता है, मन कितना प्रसन्न हो जाता है, और जल के प्रवाह को देखकर हमारे सारे जो मन के वेदनाएं हैं वो सब दूर चली जाती हैं। तो नदियों के बारे में, विशेष रूप से ये सारे पवित्र नदियां हैं, इनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो गोदावरी की चर्चा काफ़ी लंबी है वैसे तो संक्षेप में अब थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर आगे चल के और जो बाकी कथा है उसकी भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि अब हमें प्रसाद लेना है। प्रसाद लेकर गोदावरी पार करके हमें कोवूर नाम के स्थान में जाना है, जहाँ पर महाप्रभु का संवाद श्री रामानंद राय से हुआ था। तो वहाँ हम जाएंगे
और फिर यहाँ आके यहीं पे कथा करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। तो ऐसे करते हैं, अभी हम सब नीचे जाते हैं गोदावरी के तट पे। मंदिर का प्रांगण बिल्कुल गोदावरी के घाट से मिलता है, तो वहाँ हम सब लोग जाएंगे। इज़ इट पॉसिबल नाउ वी कैन गो? वी विल ऑल गो टू द बैंक्स ऑफ द गोदावरी फ्रॉम हियर, द घाट। वील ऑल ऑफर ओबेसेंसेज देयर, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स, देन वी विल टेक ब्रेकफास्ट एंड देन वील गो टू कोबूर एंड कम बैक। हाँ, तो ऐसे करेंगे, हम नीचे जाएंगे, वहाँ गोदावरी का दर्शन करेंगे। सब एक साथ चलिए और वहाँ दर्शन करके आप घाट में नीचे जाके थोड़े जल गोदावरी के उसका आचमन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद प्रसाद के लिए हम सब आएंगे, और फिर प्रसाद के बाद हम सब कोवूर जाएंगे, जहाँ महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ बातचीत की थी, और कोवूर का इतिहास इत्यादि और गोदावरी के बारे में भी हम यहाँ आकर चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है? हरे कृष्णा।